अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असगर राय, आज मैं इधर आया हूँ। वार्ड नंबर कितना है? 3। वार्ड नंबर 3 में आया हूँ मैं। यहाँ पे एक बाथरूम बना हुआ है जो SBM के तहत बाथरूम बनाए जा रहे हैं। ये चाचा जी है मेरे साथ, बुजुर्ग हैं, लेकिन बाथरूम कितना अच्छा, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर टेंकी भी है, और ये जो दो कमरे बनाए हुए हैं, ये है एक लेटरिन बाथरूम है और ये दूसरा टॉयलेट बाथरूम है, और दोनों ये पूरी अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन इनको पैसे अभी तक मिले। क्या चाचा आपको पैसे मिले इसके? नहीं, बिल्कुल अभी कुछ नहीं। आपको इसमें लागत कितनी आई बनाने में? 1,60,000। 1,60,000 आपको इसमें लागत आई? लागत आई, हाँ। तो चलो हम कोशिश करेंगे, आप हम डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि आपको इसको जल्दी पैसा आ जाए। देखो बुजुर्ग इस उम्र में इनने, ये एक मिसाल है कि स्वच्छ भारत मिशन को ऐसे ऐसे लोग कामयाब करते हैं। इसके तहत जो ये बाथरूम बनाया है बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरी ये गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि इसको जल्दी से जल्द से जल्द ये पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि बाथरूम बहुत अच्छा बनाया हुआ है और ऊपर टैंकी भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये इसके जो रूम है दोनों कंप्लीट है, इसका रंग भी हो गया, लेकिन पैसे नहीं आए। दुख की बात तो यह है, जो लोग बाथरूम ग्राउंड लेवल पर, जो लोग बाथरूम बनाते ही नहीं हैं, उनको पैसा, उनके अकाउंट में पैसा है। मैंने कितने ऐसे लोग देखे जिनने बाथरूम बनाए नहीं है, जो पंचायत के या ब्लॉक के खास लोग होते हैं उनको पैसा आ जाता है, लेकिन चाचा जी बुजुर्ग है इस उम्र में, इनने मेहनत करके इतना अच्छा बाथरूम बनाया हुआ है, इनको तो पैसा मिलना चाहिए, लेकिन इनको मिलता नहीं है, मिलता उन लोग को जो जिनके बाथरूम होते ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।